नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आज 2 अप्रैल का दिन है और 5 दिनों के बाद जब मंडियां खुली है तो काफ़ी ज़्यादा जो है उपज है वो मंडी में आई है। हमारे साथ जो गार्लिक एक्सपर्ट हैं मुकेश जी, इनसे बात करेंगे कि 5 दिन के बाद में क्या स्थिति रही है और इसके बाद में किस तरह की स्थिति रहने वाली है लहसुन में। मुकेश जी, मार्केट टाइम सर, आमदनी तो 40,000 बोरा अंदर है और 25,000 बोरा बाहर है। आमदनी अच्छी है, बाजार 1,500 रुपये टाइट है बाजार आज। तो ये जो डिमांड अच्छी है ये, और स्टॉक वाले भी चालू हो गए थोड़ा। क्या लगता है कि आगे डिमांड बाजार अच्छे रहेंगे? अभी अच्छे रहेंगे। हाँ, कहाँ तक जा सकते हैं कुछ है ये? अभी बाजार आज जैसे जो माल 7-8 हज़ार बिक रहे थे वो उसमें 1,000 बढ़े, जो 10-11 बिक रहे थे वो 13-14 बिकने लग गए। सब बाजारों में अच्छे है, बाजार पकड़े और डिमांड भी बहुत है आज। ऊटी कम आ रहा है, ऊटी में ज़्यादा डिमांड है पर ऊटी कम आ रहा है। ऊटी क्या भाव जा रहा है? 14-15-16 तक बिका आज। 16 तक बिका। और देसी जो है वो 12-13 हज़ार से भी 16 तक भी बिका, ये भी 1-2 लाख। बाकी 14-15 बहुत बिक रहे माल। हाँ, मीडियम में भी तेजी है, जो 5-6 से मीडियम बिक रही थी वो 7-8 हज़ार बिकने लग गई है। अच्छा, बाजार अच्छा है। तो आज जो है मंसूर मंडी के अंदर जो करीब बताया जा रहा है कि अभी जो मंसूर मंडी के अंदर जो लहसुन पड़ी है वो करीब 40,000 कट्टे हैं और इसके अलावा इतना ही लगभग बाहर पड़े हैं, 25,000 कट्टे और बाहर पड़े हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है आज मंसूर में लहसुन की आवक हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो है 1,000 रुपये का उछाल मंसूर मंडी के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि 5 दिनों के बाद जब मंसूर मंडी बंद थी तो और आज 5 दिनों के बाद जब खुली है तो काफ़ी आवक तो है ही है, लेकिन जो व्यापारी है मुकेश जी, उन्होंने कहा था कि कहा है कि क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है तो ज़्यादा आवक होने से भी बावजूद भी जो है लहसुन है उसमें 1,000 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है। ऊटी की डिमांड काफ़ी अच्छी है, 16,000 तक जो है ऊटी गई है।